सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव खुलकर सिंधिया के विरोध में अब सामने आए। कैसे? एक चिट्ठी के जरिए ये नजर आ गया कि सिंधिया समर्थकों को लेकर कितना गुस्सा है केपी यादव के मन में। और इतना ही नहीं, क्या कुछ चिट्ठी में लिखा वो भी आपको बताऊंगा, कैसे केपी यादव का दर्द छलका वो भी आपको चिट्ठी में जो लिखा गया है उस स्थिति समझाऊंगा। चिट्ठी काफी अहम तौर पर लिखी गई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी गई है, और चिट्ठी में जो लिखा गया काफी विस्तार से लिखा गया है, लेकिन जो पूरा सार है इस विस्तार का वो मैं आपको जरूर बता देता हूं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जो राय सिंधिया को लेकर कितनी नाराजगी है, साथ ही साथ उनके समर्थक चाहे मंत्री हों, विधायक हों, पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, उनको लेकर केपी यादव गुस्सा हैं। दरअसल इस चिट्ठी में शुरुआत में जो लिखा गया है उसमें केपी यादव ने लिखा यही है कि बीजेपी ने कांग्रेस के अजय गढ़ को भेदा है, यानी गुना कांग्रेस की परंपरागत सीट रही, यहां कांग्रेस ही जीतती आई, लेकर पहली बार ऐसा हुआ कि जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इतने बड़े कद्दावर नेता को कांग्रेस के हरा दिया, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम था, इस वजह से बीजेपी ने जीत हासिल की। इसी चिट्ठी में वो लिखते हैं, लेकिन सिंधिया समर्थक मंत्री, सिंधिया समर्थक विधायक या पदाधिकारी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो पार्टी की नीति के अनुरूप नहीं है। अब ये भी लिखते हैं केपी यादव इसी चिट्ठी में कि जो मंत्री हों या विधायक हों सिंधिया समर्थक, वो उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता, पोस्टरों में जगह नहीं मिलती है, भले ही वो विकास कार्य का लोकार्पण कार्यक्रम हो, किसी जगह का शिलान्यास कार्यक्रम हो, लेकिन उनको स्थान नहीं मिलता, उनको सम्मान नहीं दिया जाता। साथ ही साथ वो कहते हैं इस चिट्ठी में, जबकि वो काम स्वीकृत कराने में उनकी भूमिका रहती है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो तीन जिले आते हैं संसदीय क्षेत्र में, वहां के अधिकारी सुनते नहीं है केपी यादव की, यहां पर जो है उनको सम्मान नहीं मिलता, कई जगह पर प्रोटोकॉल के तहत उनको बुलाया जाना चाहिए, नहीं बुलाया जाता है, ये भी लिख देते हैं। और ये भी अपील करते हैं जेपी नड्डा से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कि आप समन्वय स्थापित करें, इन सब चीजों से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, पूरे क्षेत्र में जो है इस तरीके से समन्वय खराब हो रहा है। चिट्ठी तो लिख दी गई, अब चिट्ठी में सारी बातें भी लिख दी गई केपी यादव की तरफ से, लेकिन जो नजर आया चिट्ठी लिखने में वो चीज साफ हो चुकी है कि जो घमासान है केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच, वो आला कमान तक पहुंच चुका है। और पहली बार अब ऐसा हुआ है कि ये घमासान ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद खुलकर सामने आ गया है। आप देखते रहे अभी तक।